ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर से कुंदबंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान से विद्यासागर जी महामुनिराज की। आप लोगों को ज्ञात होगा अरहत परमेष्टि तो पंच परमेष्टि में प्रथम स्थान प्राप्त है। वैसे स्थान नहीं है किंतु पाठ की अपेक्षा से उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त है। बार बार सोचने से ज्ञात होता है। पंच नमस्कार मंत्र में प्रधान तो शुद्ध परमेष्टि होना चाहिए था, तो दिव्य ध्वनि में यह निकला हाँ है तो वही बने, लक्ष्य सबका वही है, फिर भी हमारा काम उनसे कम और अरहत परमेष्टि से ज्यादा होता और हम स्वार्थी जिनसे हमारा काम हो वही हमारे लिए प्रथम स्थान में आएंगे। स्थान तो उन्हें कौन सा है वो उनको काम ज्ञात है, किंतु काम यदि हो सकता है तो इसी से होता। तो नमो अरहंतानम जो पहले कहा उसका रहस्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। अब आप क्या महत्व है ये समझ लो। आप अपने आप को देखना चाहते हो तो आंखें तो है, देख लो, देखो ना अपने आप को, देखो नहीं देख सकते तो आपकी आंखें किस काम की बताओ। दूसरों को देखने के लिए है, मैं नहीं रुकता, ध्यान रखना, ये पुतला दुखता पुतला। किसी को अपनी आंखों से न पर की न स्व की आत्मा नहीं देखती, फिर भी वहां तक पहुंचने के लिए हमारे लिए रास्ता प्रशस्त किया गया है, वो हम बताना चाह रहे हैं आपको। तो नमो अरहंतानम पहले रखा इसलिए रखा, अरहंत के देखने से ही, अरहंत की ओर देखने से ही हमें अपना भान हो आता है, इसीलिए वे हमारे लिए प्रथम स्थान में है। हम इस रहस्य को नहीं समझे ये बात अलग है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य यही है कि सर्वप्रथम उनको यहाँ पर इसलिए रखा। दूसरा नंबर में वो बोलते भी, वो कैसे भी बोले, सांकेतिक भाषा में बोले, वो बोलते भी शुद्ध परमेष्टि, इसलिए भी दूसरे नंबर में रखे गए। वो बोलते नहीं है तो जिससे बोलते नहीं है तो हमारे काम का क्यों। बिना बोले क्या बैठ गए यहाँ है, वो कोई बताने वाला नहीं, बताने वाले तो अरहंतपुर में थे, और दिखने में नहीं आते तो दिखाने वाले अरहंतपुर में थे। हाँ उन्हीं को देखो कैसे दिखते हैं, अब देखो कैसा होता है। आप प्रतिदिन दर्पण में देखते हैं, देखना पड़ता है, किसी किसी को आनंद भी आता है। नहीं समझे, हाँ
कि यह अनंत प्रविष्टि इसलिए महत्वपूर्ण है, वो आपको अपना बिंब दिखा देती है और आर पार होने वाला जो कांच होता है उसमें भी देख लो तो आप अपने आप को देख नहीं पाएंगे। चित्त प्रविष्टि ऐसे ही है, कांच की भांति और अनंत प्रविष्टि दर्पण की भांति। अब कांच देखते हो या दर्पण देखते हो? हाँ, बहुत अच्छा। मतलब दर्पण में आप देखते हैं, यदि आप चलते समय आप अपने आप को देख लोगे तो कैसा होगा? आराम से गिर जाए, है ना? तो वहां पर शुद्ध प्रविष्टि काम कर रही है। दर्पण हमारे चलने में सहायक नहीं, दर्पण हमारे अपने आप को देखने में एक सेकंड नहीं लगता, विश्व को हम भूल जाएंगे और अपने आप को देखेंगे। ये पाताले का औपचारिक दिखता है, बिंब दिखता है या प्रतिबिंब दिखता है, स्वयं का हमारा रूप लावण्य में नहीं दिखता। किंतु दर्पण में हमारा कुछ न कुछ हिस्सा, हमारा संवेदन भी कैसा हो रहा है, मुस्कान आ रहा है तो मुस्कान और बिल्कुल उदासी है तो उदासी, दोनों देखने में मिल जाता है। सिद्ध परमेश्वर को देखेंगे तो देखने योग्य नहीं है, वो नहीं दिखाने योग्य है, किंतु केवल मानने योग्य है। यहीं पर आकर के हमें कष्ट होता तो कुछ दिखता तो है नहीं, मानो 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 हम है ही नहीं, उन्हीं को देखते रहो वो देखते है ही नहीं, क्या कर। ये विश्वास की बात है, सौदा हमारा देखने से नहीं होता, विश्वास से होता है। नारियल खरीदते हो, रियल है क्या नारियल, क्या क्या पता है? नहीं दुकानदार गुस्सा है उससे भी और नहीं हम घुस सकते हैं, फिर भी भीतर के कुछ हम पहचानना चाहते हैं। घंटी नहीं बजा रहे है? हाँ, तो उसके भीतर चाहे सोने की हो चाहे चांदी की हो, आवाज तो वही आएगी, चाहे लोहे की बजाओ चाहे तांबे की बजाओ चाहे चांदी की बजाओ चाहे सोने की बजाओ, कैसे भी बजाओ, लेकिन ध्वनि तो ध्वनि है। यह सोने की ध्वनि है, ये चांदी की ध्वनि है, ये तो आप लोग मान रहे हो। उनको घंटी मिली है लेकिन लोहे की मिली, हमारे तो रत्नों की है। आहो करने से का ही विषय बनेगा, नहीं समझते और किसी काम में नहीं आएगा। और करणंती का विषय कभी देखने को उपलब्ध नहीं होता, सुनने के लिए है। जब अनंत परमेश्वर को जब हम देखते हैं तो विश्व गायब हो जाता है और हमें अपने आप के बिंब देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए अनंत परमेश्वर को पंच परमेश्वर के स्थान में प्रथम रखा, महान उपकारी है। कौन उपकारी है? अनंत परमेश्वर। फिर इसके उपरांत मान लो अनंत परमेश्वर बोलते नहीं है तो कौन आएगा, कुछ इसका नंबर आएगा? अब ये ध्यान रखो, जिस समय मैं बोलता हूं तो आपके काम में आता हूं, मैं बोलता हूं तो मेरे काम में कुछ नहीं आता। इसलिए सर्वस्व का त्याग करके हमारे लिए अनंत परमेश्वर उपदेश देते हैं, इसलिए भी उनका नंबर पहले रखा गया, नमो अरहंतानम बोलते हैं। किंतु जब हम चलते हैं उस समय हमारे लिए सिद्ध परमेश्वर जैसे स्वरूप ही काम में आता है। कैसे? उस समय दर्पण को यहाँ पर लगा लो तो नहीं दिखेगा, सामने क्या दिखेगा? वह
स्वयं भी नहीं देख पाएंगे हम, इसलिए दर्पण को तो उतने ही काम में लाना चाहिए। हमें जब सिद्ध परमेश्वर को देखना है तो केवल साफ सुथरा कांच लगाओ, नहीं समझे, किसी से टकराना भी नहीं, किसी में अटकना भी नहीं, कहीं भटकना भी नहीं, सीधा सीधा दिख रहा है वस्तु आपकी जो पड़ी हुई है आंखों के सामने। यहां पर धूलिकण है तो धूलिकण उस समय नहीं दिखेगा जिस समय सामने वस्तु आपकी दिखेगी। तो दर्पण में हमारी वस्तु नहीं दिखती किंतु बिंब दिखता है, इसलिए सिद्ध परमेश्वर की आराधना हम लोगों के लिए बताई गई है। सिद्ध परमेश्वर बहुत साफ सुथरे हैं, दूर दूर तक आकाश का वह अखंड भी हमें देखने को उपलब्ध होता है, लेकिन दर्पण के द्वारा पास का भी नहीं आता, क्योंकि उसकी भीतर रहने वाला सिंदूर तक नहीं देखता और उसका पार्श्व भाग भी नहीं देखने को उपलब्ध होता, केवल उसमें जो बिंब पड़ता प्रतिबिंब वह देखने को उपलब्ध होता। तो जिस समय हम मार्ग पर चलते हैं तो सिद्ध परमेश्वर का ही एकमात्र, किंतु वह हमारे आंखों के द्वारा देखने में पारदर्शिता उसमें है, कांच को उस समय हम देखते नहीं जैसे दर्पण में देखते हैं, वैसे जिस समय चश्मा लगा लेते कांच नहीं दिखता, कांच में से पार होकर के दिखता है। अब वही आंखें हैं जिस समय दर्पण में देखें तो पार नहीं दिखता, न आर दिखता है, बीच में है वो दिखता है, अब काम में आता नहीं। इसलिए कि हम अपने आप में लीन होते हैं, तब जब हम इन दोनों को भूल जाते हैं तभी हमें मन का विषय देखने को उपलब्ध होता है, संवेदना में उपलब्ध होता है। मैं बैठा हूँ या खड़ा हूँ यह भान तभी होगा, नहीं काज लगाएंगे, काज लगाएंगे तो भी हम बैठे हैं कि खड़े हैं ये नहीं दिखेगा, आंखों से देखना है बस, ये शरीर देखता है कि भीतर से तो संवेदन खड़ा होने का है और बैठने का है, वह उस समय दर्पण के द्वारा अथवा कांच के द्वारा नहीं होता। संवेदन की ओर देखना चाहते हैं अवश्य ही चित्त परमेष्टि हमारे लिए हाथ लग जाते हैं। हमें पंच परमेष्टि की आराधना करते समय ये कुछ बातें ऐसी हैं जो थोड़े एक क्षण के लिए हम भीतर की ओर अपने आप के उपयोग के ले जाते हैं तो अंतर जगत का वह सारा सारा दृश्य हमारे सामने होता है। भले पढ़ने वाले पढ़े उनको वह दृश्य देखने को नहीं मिलता जो हम आंखें बंद करने के उपरांत भी देखते हैं, चश्मा लगाओ फूट गया, खरीदो दूसरा, नंबर बदल गया फिर उसको और फेंक दो, नहीं समझे, फिर ज्योति चली गई लूज हो गया तो क्या हो गया, हो गया हो गया, लेकिन हम आंखें बंद भी कर ले, आंखें बंद करूं या खोलूं, प्रभु जी हमें मिल जाए, कैसे मिल जाए, दुनिया को भूलना पड़ता, दुनिया को उपेक्षित करना पड़ता, दुनिया को इष्ट नहीं मानना पड़ता, उस समय कहीं जाकर के प्रभु का दर्शन हमें होता है। इसलिए अरहत परमेष्टि को इसी लौकिक कार्य की अपेक्षा से अथवा परोपकार के लिए प्रथम स्थान दिया है, लेकिन पंच परमेष्टियों में इष्ट और प्रत्यासन निष्ठ बिल्कुल पास यदि है जो सिद्ध परमेष्टि है, हमें शुद्ध होने के लिए बीच में काज अरहत परमेष्टि को लगाना पड़ता चश्मा का काम। यदि मान लो
चश्मा ही पहन लेते हैं और चश्मा को ही प्यार से देखने लग जाते हैं तो कुछ दिखेगा नहीं। देख लो देख लो, चश्मा देखने के लिए है, पहनने के लिए नहीं। सुन रहे हो? चश्मा लगा लो तो ठीक है, चश्मा ओढ़ लो, ओढ़ने की चीज नहीं है वो। वो केवल प्रतिबिंब दिखने में आ जाए तो पारदर्शिता जो है वह प्रामाणिक माना जाता है। दर्पण में पारदर्शिता नहीं, टकराहट। इसलिए दर्पण को देखने से मैं अपने स्वरूप को नहीं देख सकता, ऊपरी शक्ल को देख सकता हूँ। यह रहस्य जिनेंद्र भगवान के बिंब के समय पर हम जब देखते हैं उस समय सारा सारा देखने को उपलब्ध होता है। इसलिए स्वाध्याय के अपेक्षा भगवान के बिंब के दर्शन करके स्वाध्याय में जो नहीं उपलब्ध होते हैं उन सब रहस्य को हम देख सकते हैं। इसलिए हम बिंब को प्रथम दान दे देते हैं और शास्त्र को दूसरे नंबर में। हाँ, ये बात अवश्य है, शास्त्र में जो फलित होता है वह बिंब के साथ भी नहीं होता है, वह गूढ़ रहस्य को बताने वाला शास्त्र होता है। क्योंकि शास्त्र से अर्थ से अर्थांतर वह भीतरी भाग उपलब्ध होता है किंतु आँखों के द्वारा नहीं होता। इसलिए आँखों से काम उतना ही लो, बाकी समय पर आप दूसरे साधन के माध्यम से अपने आप को देखने का प्रयास करिएगा। जब कभी कुछ समझ में नहीं आता, जब हम पढ़ते थे उस समय वो क्या करते थे, समझ में नहीं आता तो चश्मा को सुन लिया, क्या समझ में आ गया, यूं कर लिया तो अब आंख का कोई काम नहीं है। इसलिए पांच इंद्रियों के व्यापार से सीमित काम लिया करो और आत्मा से ज्यादा लिया करो। इतना ही पर्याप्त है। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि।